नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद नदीम अहमद। नाज़रीन, पंजाब के इंतखाबी मार्के के बाद सियासी दंगल का ज़ोर शोर है। इस सियासी दंगल में एक तरफ हमजा शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही बद्दे मुकाबिल हैं। इन दोनों में से किसकी जीत और किसकी हार होती है ये तो आज शाम को पता लग जाएगा, लेकिन इसके पसे पर्दा जो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है उस पर अवाम की गहरी नज़र है। अगर फैसला अवामी फैसले के बरखिलाफ आता है तो अवाम का इज़्तिराब को और इसके आगे बंद बांधना सियासी क़यादत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इस इज़्तिराब के पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत और अवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे ये जानने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दो मेहमान गरामी को बुलाया है। इनमें हमारे पहले मेहमान गरामी जो हैं वो सीनियर कालम निगार तजिया कार जनाब नासिफ अवान साहब हैं, रोज़नामा नई बात में रेगुलर लिखते हैं, और मेरे दूसरे मेहमान सीनियर कालम निगार तजिया कार चीफ एडिटर रोज़नामा सरज़मीन सफदर अली खान साहब हैं, हमारे कानून भी हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं और आपने इनको देखा है, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। मैं आप दोनों मेहमान ग्रामी का बहुत मशकूर हूं आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनाब नासिर वान साहब, आज का सियासी दंगल जो है उसका बड़ा ज़ोर शोर है और इस ज़ोर शोर में जो है आवाम जो है उसके फैसले का इंतज़ार इस वक्त कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें किसकी जीत और किसकी हार होगी? बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद नदीम साहब। सूरत-ए-हाल ये है कि बज़ाहिर तो यही लग रहा है ना कि पीटीआई या परवेज़ इलाही जो उनके मुश्तरका उम्मीदवार हैं काफ लीग के इत्तेहादी हैं वो उनका पलड़ा भारी है। मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए था कि जब उन्हें मतलूबा जो तादाद थी वो हासिल हो गई थी तो दूसरे फरीक को मुखालफ फरीक को खुद ब खुद जो हकूमत उनके सपोर्ट कर देना चाहिए थी। इसमें जोड़ तोड़ वाली तो बात ही नहीं थी क्योंकि उनके पास जितने नंबर्स हैं वो तो उन्हें मिल गए हैं। लेकिन हुआ ये है कि जब इंतखाबात हो गए तो उन्होंने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। ये सियासत तो नहीं है भाई। अब अवामी राय जो है उसका एहतराम उन्हें करना चाहिए था। इसमें दो राय नहीं है कि जमहूरियत में जो है लोगों की राय को मुकद्दम समझा जाता है और जो क्या कहते हैं वो जमहूरियत में गिना जाता है, तोला नहीं जाता। लिहाजा उन्हें ये जो हुआ है 3-4 दिन के अंदर ये बहरहाल ना तो जमहूरियत है ना अवामी राय का एहतराम है, मैं तो ये बरमला कहूँगा। अच्छा सदर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं नासिफ साहब कि ये अवामी जो है फैसला तो अवामी आया लेकिन नतायज जो है वो आम तौर पे जो तासुर एक उभर रहा है वो ये है कि अवामी फैसले के मुताबिक जो है वो नतीजा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि अवामी फैसले की जो है वो पज़ीराई नहीं होगी और क्या अवाम के फैसले के बरखिलाफ़ फैसले आने की आप उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले तो शाहिद नदीम साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि मैं आपके प्रोग्राम में हाज़िर हो सकूँ। और दूसरी बात यह कि बसद एहतराम, मैं नासिफ साहब से इस बात पर इख्तलाफ करूँगा। अवामी मैंडेट को नून लीग ने उसी दिन उसी लम्हे कबूल कर लिया था और बरमला उनकी वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा मरियम नवाज़ और उनके स्पोक्समैन मलिक अहमद खान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने कहा था कि हम अवामी फैसले के सामने सरनुम होते हैं। अब रही बात ये कि जो पीटीआई और नून लीग का इलेक्शन हो रहा है उनके उम्मीदवार पीटीआई के परवेज़ इलाही साहब हैं जो कि एक मिनॉरिटी ग्रुप से हैं और सिर्फ 10 सीटों के बलबोते पर वो पूरे पंजाब की सरबराही चाह रहे हैं और उनके मुकाबले में ज़ाहिर है हमजा शहबाज है जो ऑलरेडी पहले भी बतौर वज़ीर आला इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन जो हमारे इस वक्त ग्राउंड रियलिटी के
जो हकायक हैं वो ज़रा इससे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पंजाब आपके सामने एक पाकिस्तान का हाफ से ज़्यादा, बल्कि 65% जो है वो पंजाब का की सीट्स हैं और उसका स्टेक है हमारे जो कौमी मामलात हैं। तो इस सूरत में जब पीटीआई के पास खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक की दो इकाइयाँ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और किसी हद तक बलूचिस्तान में भी उनका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहाँ भी वही वजीर आला बैठा हुआ है जो कि पहले, वैसे तो सिंध में भी है, सिंध में चले कह सकते हैं कि वो पीडीएम की एक हमायती अपोजिशन में अपोजिशन है, लेकिन वहाँ सरबराही इनके पास नहीं है, वो पीटीआई पीपल्स पार्टी के पास है, नुमाइंदगी तो है, नुमाइंदगी तो है, वो तो जाहिर है ये कौमी जमात है इस वक्त हमारे मुल्क में, जो अगर किसी जमात को आप कौमी कह सकते हैं तो वो पीटीआई है, ठीक, बाकी जमातें सुकड़कर एक तरह से सुबह तक हो गई है। तो इन हालात में अगर नून लीग बैकअप कर जाती है और विड्रॉ कर जाती है या सरेंडर कर जाती है तो फिर उसका जीना मुहाल हो जाएगा, इसलिए उन्हें ये फाइट तो ज़रूर करनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में ये फाइट अवामी मैंडेट का इनकार नहीं है, ये एक उनकी सियासी जद्दोजहद, लेकिन आप समझते नहीं है कि फाइट करनी चाहिए, लेकिन हाँ यही लेकिन जोर तोड़ तो नहीं करना चाहिए, यही अगली बात, बज़ाहिर तो देखें ना उनकी सीटें जो हैं, आप जैसे आपने कहा 10 सीटें अगर कम हैं तो बज़ाहिर तो वो ख़त्म हो गई ना, फिर तो लड़ाई भी नहीं रहती और ना ही उसके बाद वो कोई मुकाबला रहता है, कि अगर आप कानून के दायरे में सियासत करते हैं तो वो तो काबिले कबूल होनी चाहिए ना, सियासत नाकाबले कबूल वो है या आपको सियासत छोड़ कोई भी अमल आप जिंदगी का कोई भी पहलू उठाएं तो उसमें अगर आप कानून और जाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो आपकी, अच्छा नासिर साहब आप क्या समझते हैं कि सेहतमंद मुकाबला नहीं हो रहा, क्या ये जो नजर आ रहा है जैसे उन्होंने कहा कि सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए, बाकी सारी आवाम भी चाहती है सेहतमंद मुकाबला हो, लेकिन यहाँ सेहतमंद मुकाबले की बजाय जो है यहाँ तो व्यापारी जो हैं वो नजर आ रहे हैं जो 30 से 50 करोड़ की बोलियां लगा रहे हैं और बमांगे दोहल ऐलान कर रहे हैं मीडिया पे कि जनाब 50 सीटें भी जो हैं वो गायब हो सकते हैं बंदे और हम इतने बंदे गायब कर सकते हैं और सारे खामोश हैं। खान साहब ये तो बात तस्लीम करते हैं और मैं भी करता हूँ कि उन्होंने जब इंतखाबात हो गए उन्होंने तस्लीम कर ली अपनी शिकस्त, यानी इसका मतलब है उन्होंने शिकस्त तस्लीम पहले दिन से कर ली थी, तो अब क्यों नहीं कर रहे? अगर जमहूरी सफदर साहब कहते हैं कि सेहतमंद मुकाबला करने के लिए, पहले मैं वो जवाब दे लूं कि जब वो तस्लीम कर चुके हैं तो फिर भाई ये यहाँ क्या हो गया है कि आप उनकी बात जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे, उनका जो इंतखाबात हुए हैं उनकी जो मैंडेट जो है वो उसको क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। रही बात सेहतमंद मुकाबला, तो भाई यही तो पॉइंट है कि सेहतमंद मुकाबला कुछ दौड़ तो नहीं हो रही, रेस तो नहीं हो रही, ये तो तादाद का है ना मसला, आदाद का मसला है। नहीं, जब तक पार्लियामेंट में जाके बैठ के वोटिंग नहीं होगी तब तक तो मुकाबला है ना, कहने से तो कोई नहीं, अगर आप 188 दिखा देते हैं और वो 180 दिखा देते हैं आप कहें कि जी वो हार गए वो जीत गए, ये तो पार्लियामेंट में दिखाना है जाके, तो आज जो है 4 बजे वो पार्लियामेंट में दिखाने के लिए तो उन्होंने सेहतमंद मुकाबला करना है। नहीं आप मुझे बताएं ये कि 186 कितने 188 थे जी, 187 आप कर लें जी, वो तो उन्होंने होटल के अंदर जी 186 वो तो उन्होंने अपने होटल में दिखा दिया जी, यानी उस ईवान के बाहर तो वो शो कर चुके हैं, अब अंदर भी जाके वही जो है लोग चले जाएंगे तो इसमें क्या है? नहीं, हमारी तारीख रही है सफदर साहब, आप जरा प्लीज इस बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारी तारीख रही है कि होटल में नजर आने वाले पार्लियामेंट में जाके जो है वो गायब हो जाते हैं। नासिर साहब का यही है कि वो ये समझ रहे हैं कि जो होटल में हमने दिखा दिया गया उन्होंने दिखा दिया वो पार्लियामेंट में भी वही नजर आएंगे, लेकिन हम जब वो तारीख पर नजर, आप समझते हैं कि पार्लियामेंट में जाके वाकई वो जो उन्होंने होटल में दिखाए हैं वो नजर आज 4 बजे आ जाएंगे, या कि आप समझते हैं कि उनमें से कुछ गायब भी हो जाएंगे? मैं ये भी गुजारिश कर देता हूँ
असल बात यह है कि वो जितने भी होटल में लोग हैं ना, वो छुपाए हुए हैं, उनको पब्लिक के सामने पेश नहीं किया गया। किसी अखबार नवीस को या मीडिया को उन तक एक्सेस नहीं दी गई। ये दोनों पार्टियां खुद ही बता रही हैं कि हमारे पास इतने हैं। नून लीग कह रही है कि हमारे पास 179 हैं, जबकि पीटीआई कह रही है, क्लेम कर रही है कि हमारे पास 186 हैं, हमने अपनी तादाद पूरी कर ली है, लेकिन वो कैमरे के सामने अभी तक नहीं लाए। एक बात, दूसरी जो बेसिक चीज़ है ना, वो आप शायद इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि ये इलेक्शन जो नया इलेक्शन नहीं है, ये रन ऑफ वोट है, उसी इलेक्शन का ये तसलसल है जो पहले हुआ था। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हो रहे हैं। अब यहाँ पर 186 शो नहीं करने, आपने अपनी अक्सरियत शो करनी है, यहाँ सिर्फ एक दिन और एक लम्हे के लिए, फॉर एवर नहीं है। आपने जब वोटिंग होगी, वो वोटिंग में जो पार्टी अपनी अक्सरियत जाहिर कर देगी वो विनर होगी, और उसका वजीर आला होगा, वो चाहे 186 हो, चाहे सिर्फ 100 बंदा उनका और उनके 99 हो, ठीक है, उसमें तादाद नहीं काउंट की जानी कि किसके कितने मेंबर है, अक्सरियत शो करनी है जिसने भी कर देंगे। जब अब ये बेसिक फर्क ये है कि हम एक डायलॉग पीटीआई के मुंह से, उनके सरबरा के मुंह से सुन रहे हैं कि हम गुलाम नहीं है, तो क्या जब जो हमारे एमपीएज हैं और जो हमारे एमएनएज हैं, उनको तो हमने गुलाम समझ लिया है ना, उनको तो हमने गुलाम बना लिया है ना, उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बंदा हमसे इख्तलाफ करेगा वो बिक गया, उसने 40 करोड़ 50 करोड़ पकड़े। लेकिन बसाद तरह इल्जाम की सियासत ही हमारे चेहरे पर जम गई है। कोई एक शख्स, कोई एक सबूत हमने पेश किया है? हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे अपने तल्लुकात, हमारी अपनी इंफॉर्मेशन, क्या इस काबिल नहीं है कि हम एक बंदा पकड़ के उसका कोई अकाउंट, उसकी कोई ट्रांजैक्शन, उसका कोई सबूत, उसका कोई गवाह अवाम के सामने, मीडिया के सामने पेश कर सकते कि भाई ये इसने इतने पैसे लिए, ये भी कहना। सफदर साहब का कहना है कि हम जोड़ तोड़ की बात करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि अदारे जो हैं वो बैठे हैं और खामोश क्यों हैं? वो किसी एक को पकड़ के, लाजमी बात है जब इतनी बातें होती हैं तो लाजमी बात है कि एक आधे को तो अदारे जो हैं वो उस इल्ज़ाम तराशी के सबूत पर सामने लाए ला सकते हैं। तो अगर वाकई खरीदो फरोख्त हो रही है तो उसके सबूत के साथ वो बंदा भी सामने जो है वो लाना चाहिए और उनको सजा और जजा से गुजारना चाहिए। तो लाजमी बात है कि इसका सद्देबाब होगा, और इसका सद्देबाब होगा तो अवामी फैसले जो हैं उनकी राह में कोई रुकावट नहीं आ सकेगी। ये ख्यालात का सिलसिला यूँ जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक वगैरह वक्त नासीन हुआ चाहता है, आप हमारे साथ रहिएगा।